इसका क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। 2x + 1² d² - 6 × 2x + 1 d + 16 × y = 8 × 1 + 2x². दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या ये है आपके पास सिंपल ही है या फिर कॉची यूलर इक्वेशन है यानी लीजेंड्रेस इक्वेशन है। तो ये कौन सी आपको नज़र आ रही है लीजेंड्रेस इक्वेशन, क्योंकि ये कैसे हैं ax + b की शक्ल में। अगर सिंपल x होते तो आप उसको कॉची यूलर इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो आपने क्या किया, ax + b ये है आपके पास 2x + 1। तो यहाँ से a क्या है, 2 है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, वैसे आपको यहाँ से पता चल जाएगा a क्या है 2 है और b क्या है आपके पास 1 है। सब्सिट्यूट क्या करते होते हैं, ax + b = e^t, जैसे वहाँ x = e^t करते थे, यहाँ ax + b = e^t करते हैं। एक क्वेश्चन में तो आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे वो मैंने पीछे आपको जहाँ समझाया है जिस मेथड से, उसी तरह से आप इनके डेरिवेटिव से एक को लेंगे। अब आपके पास t क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 1, ठीक है। यहाँ से जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो अब हमने जो पुट करनी है, ठीक है, a हमारा क्या है 2 है और ax + b (dy) = a∂y पिछले मेथड से, ठीक है। a क्या है 2 है, इसका मतलब जहाँ 2x + 1 dy होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2∂y, फिर स्केयर आ जाता है तो a का स्केयर 4 (∂ × ∂−1), ये 2 ही है, मतलब 2 पावर्स तक ही है, इसलिए हम इसका 2 तक ही लिखेंगे, आगे नहीं चाहिए। इसमें पुट किया हमने, सिंपलीफाई किया तो हमारे पास सिंपल जो है लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए हम क्या करते हैं इसको होमोजीनियस बनाते हैं, मतलब इस साइड पे 0 तो m की वैल्यूज़ 2 आई हैं, सिमिलर वैल्यूज़ हों, सेम हों, रिपीट हो रही हों, तो आप क्या लिखते होते हैं c1 + c2t e^2t। ये t के हैं फंक्शन सारे, क्योंकि आप देखें x को नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी क्या आएंगे t आ जाएंगे। अब इसी तरह से ये हमने फाइंड किया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपको पता है क्या करते थे, ये यहाँ आ जाता है और डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट केस बन गया एक्सपोनेंशियल वाला, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई साइन का साइन नहीं है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है, पहला और आपके पास केस बना है। अब करते क्या है, जो e की पावर में होती है चीज़ उसको नीचे पुट करके देखते हैं, अगर तो वो 0 आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं ऊपर t से मल्टीप्लाई और नीचे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ये 0 आ रहा था मैंने पुट करके देखा तो फिर मैंने क्या किया ऊपर t से मल्टीप्लाई किया नीचे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, (∇² = 2∂ − 4), ठीक है। फिर मैंने देखा 2 को पुट करके फिर 0 आ रहा था, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे ऊपर t से मल्टीप्लाई और नीचे फर्स्ट डेरिवेटिव, 2t² e^2t और नीचे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या बन गया yp। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है yc + yp, आपने वैल्यूज पुट की हैं। अब हमने t तक नहीं छोड़ना क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में था, तो आपने क्या किया c1 + c2 t की जगह नेचुरल लॉग ऑफ दिस और e^2t, मतलब e^t हमारा क्या था, ये था 2x + 1 हमने पुट किया हुआ था ना, तो ये उसका स्क्वायर आ गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 1² and 2x + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक बनता है।